हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंडक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, उसके बेस पे हमने कुछ प्रूफ किए थे। ठीक है, कि किस तरीके से डिकम्पोजिशन होता है, वो क्या प्रोपोर्शनल होता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है और कंडक्टेंस क्या होता है वो हम आज देखेंगे यहाँ पर। तो कंडक्टिविटी को सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ही या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को क्या बोला जाता है यहाँ पर, कंडक्टिविटी बोला जाता है, कंडक्टिविटी बोला जाता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोला जाता है यहाँ पर, कंडक्टिविटी बोला जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट यहाँ पर लिखते था विशिष्ट चालकत्व, और इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व ही बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं चालकता। ठीक है, तो विशिष्ट चालकत्व या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, चालकता बोल सकते हैं। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं कंडक्टेंस की बात करता हूं तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन में R होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, मतलब C इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में R। R क्या है यहां पर, प्रतिरोध है। R यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है। R क्या हो गया यहां पर, प्रतिरोध हो गया। अब हम बात करते हैं ये तो कंडक्टेंस हो गया, क्या होता है कंडक्टेंस, 1 अपॉन में R। हम देखते हैं कि यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और इसी ग्रीक अक्षर में कप्पा से दर्शाया गया। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो कंडक्टिव स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है उसको हम कप्पा से के से रिप्रेजेंट करते हैं। के इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में रो। रो क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मैं आपको बता चुका हूँ, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर हम क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध है। K इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन में रो। रो की अगर मैं वैल्यू रखना चाहूँ तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, तो आर ए अपॉन में एल। एल ऊपर जाएगा, आर ए नीचे, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन में आर ए। कुछ इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का बताने से मेरा मतलब ये था कि आज मैं आपको एक लॉ बताने वाला हूँ, कोलराउस लॉ। उसके लिए कंडक्टेंस का जानना बहुत जरूरी है, कंडक्टिविटी का जानना यहाँ पर जरूरी है। कंडक्टिविटी का काइंड होता है एक मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर चालकता हम पढ़ेंगे। मोलर चालकता क्या होता है, तो सिंपली डेफिनेशन सुनना या फिर मैं ऐसे इजीली एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, किसी भी मान लो VML वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, किसी विलयन का जो आयतन है वो क्या है, VML है। उसमें मैंने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है। ठीक है, क्या डाला है, मैंने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है। अब उस एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को डालने से उसमें कितने आयंस बने हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं वहाँ पर, कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी। आया समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी एक विलयन में जिसका आयतन कितना है, VML है, उसमें मैंने एक मोल क्या डाल दिया है, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के डालने से VML आयतन वाले विलयन में जो भी वहाँ पर आयंस फर्निश हो रहे हैं, मतलब आयंस बन रहे हैं, उन्हीं को मैं क्या बोलूँगा वहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर चालकता। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी से ही रिलेटेड यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कोलराउस लॉ हम देखने वाले हैं, कोलराउस लॉ क्या होता है। तो कोलराउस लॉ की अगर हम बात करें तो सिंपली कोलराउस ने समान धन या ऋण आयन वाले अनेक प्रबल विद्युत अभिक्रियों की अनंत तुलना पर, अनंत तंगता पर मोलर चालकता का अध्ययन किया था। उन्होंने क्या किया था यहाँ पर,
मोलर कंडक्टिविटी उन्होंने फाइंड की थी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, अनंत तनुता। इंफिनिटी डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया है उसके इंफिनिटी रेंज पर, मतलब वहां पर प्योर सॉल्यूशन नहीं है, वहां पर आधे से ज्यादा जो है वहां डाइल्यूशन है। जैसे कि मैं आपको पहले भी तनुता बता चुका हूँ, डाइल्यूशन बता चुका हूँ कि अगर मैं एसिड का डाइल्यूशन करता हूँ तो वहां पर 98% में क्या मिलाता हूँ, इम्प्योरिटीज, जबकि 2% में क्या मिलाता हूँ वहां पर एसिड मिलाता हूँ, या फिर जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है उनको हम 2% भी मिलाते हैं, बाकी का जितना भी अमाउंट है वहां पर वो क्या रहता है, वहां इम्प्योरिटीज रहता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इंफिनिटी कर दूंगा तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 100% हो जाएगा। ठीक है, इम्प्योरिटीज ही रहेंगी और जो रियल सॉल्यूशन है वो वहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब कॉलरॉस ने बोला क्या था उनके लॉ में, तो उन्होंने बोला था कि किसी भी विद्युत अपघटी की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता, उन्होंने मोलर चालकता निकालना बताई थी अनंत तनुता पर। ठीक है, मोलर चालकता अनंत तनुता पर, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखते हैं, हाँ, तो मोलर कंडक्टिव मोलर चालकता का मान उनके धनायन एवं ऋणायन के अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के युग्म के तुल्य होता है। मतलब उसने क्या बोला है कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये हमेशा किसके बराबर होगी, इनके धनायन और ऋणायन के इनफिनिटी डाइल्यूशन के। ठीक है, सिंपल सा रहा है, क्या बोला है उसने कि यहाँ पर आपने जो भी ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफिनिटी डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ माइनस आयन एंड प्लस आयन एट इनफिनिटी डाइल्यूशन, मतलब जो भी उस सॉल्यूशन में प्लस आयन और माइनस आयन प्रेजेंट है उनके सम के, और वो भी कहाँ, इनफिनिटी डाइल्यूशन पर, इनफिनिटी डाइल्यूशन पर उनके सम के बराबर होंगे, मतलब उनके जोड़ के बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि ये V प्लस, ये V और लैम्डा क्या है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर सिंपली AX BY जैसे सामान्य विद्युत अपघटी के लिए आयन A के कारण चालकता लैम्डा होगी। ठीक है, और इसी तरीके से देखो सिंपली अगर हम बात करें V प्लस V माइनस V, V प्लस एंड V माइनस V, ये क्या है, सम ऑफ आयंस, या फिर मैं बोल सकता हूँ आयंस। ठीक है, और लैम्डा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हीं के सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एट इनफिनिटी डाइल्यूशन। अब राइट हैंड साइड पर जो मैंने उल्टा V लिखा हुआ है वो क्या है, उसको हम कंप्लीट लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट लैम्डा। हम कभी भी अगर इसकी वैल्यूज निकाल रहे होंगे तो हम नॉर्मल लैम्डा से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट लैम्डा होता है उसका साइन क्या होता है, उल्टा V, या फिर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, इसे भी हम लैम्डा ही पढ़ते हैं लेकिन ये कंप्लीट लैम्डा का साइन है। अब कॉलरॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे कि पहली एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन है दुर्बल विद्युत अपघटी की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। सिंपल, कोई भी एक हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट देगा, इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघटी का मतलब क्या होता है, देखो दुर्बल विद्युत अपघटी या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि क्या हो, वाटर में पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाए। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि वाटर में पार्शियली डिसॉल्व हो, मतलब पूरे तरीके से डिसॉल्व ना हो पाए, पूरे तरीके से ना घुल पाए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि पानी में अच्छे से घुल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम एक एग्जांपल फर्स्ट वाले का, उसमें क्या बोला है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालना है इनफिनिटी डाइल्यूशन पर। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघटी की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, सिंपली मैं यहाँ पर लेता हूँ कोई भी, तो मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिटी डाइल्यूशन पर किसकी निकालना है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो मैं ले लेता हूँ CH3COOH। ठीक है, ये मैंने ले लिए। अब अगर CH3COOH की बात करूंगा तो इसमें मैं कॉलरॉस लॉ सबसे पहले अप्लाई करता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनफिनिटी डाइल्यूशन पर CH3COOH प्लस लैम्डा इनफिनिटी डाइल्यूशन पर CH3
सॉरी CH3C डबल हो गया और यहाँ पर क्या बचा H, तो H प्लस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दोनों मैंने पहले ही बोला था आपको कि किसी भी सॉल्यूशन के इंफिनिटी डाइल्यूशन पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी, उसमें प्रेजेंट आयंस की मोलर सॉरी उसके उसमें प्रेजेंट आयंस की इंफिनिटी डाइल्यूशन पर सम के बराबर होगी। तो हमने यहाँ पर ऐसा कैसा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आपको जिस भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालना है उसके साथ में भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स दिए रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है और हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, CH3COOH और इसके इक्वल टू में फॉर्मूला दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। तो यहाँ पर हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। आगे बढ़ते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू, इसको अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो मैं इसको किस में लिख सकता हूँ, कोलब्रुक लॉ के हिसाब से कि लैम्डा H प्लस और प्लस लैम्डा Cl माइनस, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको उसके आयंस में ब्रेक कर रहा हूँ, लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस प्लस लैम्डा CH3COOH इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर प्लस लैम्डा CH3COOH यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा Na। ठीक है, CH3COOH माइनस और Na प्लस। आगे बढ़ते हैं, माइनस अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कैसा आएगा, लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये H प्लस यहाँ पर Cl माइनस CH3COOH प्लस Na प्लस इन्फिनिटी डाइल्यूशन लगाना मत भूलना, माइनस Na प्लस इन्फिनिटी डाइल्यूशन, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस Cl माइनस इन्फिनिटी डाइल्यूशन। अब यहाँ पर देखो Cl से Cl कैंसिल, Na से Na कैंसिल, क्या बचा लैम्डा CH3COOH माइनस प्लस लैम्डा एच प्लस। ठीक है, इसके बराबर आ रहा है, सॉरी CH3COOH। ठीक है, अगर आप देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो दोनों क्या है यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये है कोलब्रुक लॉ की एप्लीकेशन। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू।